Hello guys, welcome back to my channel. If you are coming here for the first time, thank you so much कि आप लोग मेरे चैनल पे रुके हो और मुझे देख रहे हो. आप लोग ऑफ कोर्स मुझे नहीं जानते. आई एम कायनात एंड आई डू वीडियो रिलेटेड टू मेकअप, ब्यूटी, डीआईवाई, स्किन केयर, हेयर केयर एंड लॉट्स मोर. एवरीथिंग रिलेटेड टू ब्यूटी. आई शेयर अ लॉट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स हियर. बेसिकली मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड ट्रेनर हूँ. मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट एंड ट्रेनर हूँ. सो आई ऑल्सो हैव एन अकेडमी इन मुंबई. सो yeah, this is all about a short kind of myself. तो या सो आई होप आप लोगों को मेरे चैनल पर बहुत मजा आएगी और आप लोगों को मेरे कॉन्टेंट अच्छे लग रहे होंगे. तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं हाउ वी कैन चूज द राइट शेड ऑफ फाउंडेशन फॉर आर सेल्फ. आई नो बहुत वीडियोज हैं बट मेरी ऑडियंस मुझसे देखना चाहती है. और दूसरी चीज उन लोगों के लिए इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज आई टीच अ बंच ऑफ स्टूडेंट्स. सो आई नो द स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से स्टूडेंट के माइंड में बहुत अच्छी तरीके से ये फिक्स हो जाता है. सो आई एम योर विद दैट. सो आई होप जैसे मेरे स्टूडेंट्स के माइंड में ये फिक्स होता है, आप लोगों के भी माइंड में ये फिक्स हो जाए. तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत असेंशियल है हम लोगों को जाननी बिफोर वी चूज आवर फाउंडेशन. सो ज़्यादा ब्लैबरिंग नहीं करूँगी और सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ. पहली चीज जो हम लोगों को याद रखनी है वो ये कि हमें अपना स्किन टाइप पता होना चाहिए. स्किन टाइप इन द सेंस आपको पता होना चाहिए आप कौन सी स्किन टाइप से बिलोंग करते हो. ऑयली, कॉम्बिनेशन, ड्राई, नॉर्मल, सेंसिटिव, आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब आप अपने स्किन टाइप को कैसे जान सकते हो? आई होप 70-80% लड़कियाँ आजकल जानती है कि उनका स्किन टाइप क्या है. अगर आप नहीं जानते आपका स्किन टाइप क्या है तो आपको जनरली करना क्या है, आपको अपना फेस वॉश करना है. फेस वॉश करके ऑफकोर्स टॉवल ड्राई करना है और 5-10 मिनट तक आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना है फेस पे, कुछ भी नहीं. और फिर आपको देखना है कि आपको आपका स्किन ड्राई लग रहा है, ऑयली लग रहा है. अगर आपका स्किन टोटली ड्राई है देन यू आर फ्रॉम ड्राई स्किन. अगर आपका ऑयली लग रहा है देन यू आर फ्रॉम ऑयली स्किन. अगर आपके चीक्स ड्राई हैं और टी जोन ऑयली है तो आप कॉम्बिनेशन से हो. अगर आपको ठीक ठाक लगती है आपकी स्किन देन यू आर नॉर्मल. पर आप लोगों को एक बात जाननी ज़रूरी है कि हमारी जो स्किन टाइप है वो वेदर के हिसाब से चेंज भी होती है. सो कीप दैट इन माइंड. समर होगा तो बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस आता है, ड्राई स्किन को भी ऑयली फील होता है. सो वाइस वर्सा विंटर में चेंज हो जाती है, ऑयली स्किन ड्राई होने लगती है. सो इट इज़ लाइक दैट. तो आपको सबसे पहले आपकी स्किन टाइप पता होनी ज़रूरी है. नंबर टू ये है कि आपको आपका अंडरटोन पता होना चाहिए, यानी आपको आपके स्किन के अंदर का कलर पता होना चाहिए. यस. तो आप अपना अंडरटोन कैसे जान सकते हो? आपकी जो हैंड नर्व्स होती है उससे आप जान सकते हो. मैं यहाँ पे एक पिक अप्लाई कर दे रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. स्क्रीनशॉट ले लो इसका. अब अगर आपकी नर्व्स ग्रीन कलर की है देन नर्व्स, अगर आपकी ग्रीन नर्व्स हैं तो आप वार्म अंडरटोन से हो. अगर ये ब्लू या पर्पल है तो आप कूल अंडरटोन से हो. और अगर ये मिक्स है यानी ब्लू ग्रीन दिख रही है या पर्पल ग्रीन दिख रही है तो आप न्यूट्रल हो. तो आपको आपकी अंडरटोन इस तरीके से पता करनी है. आप अपने रिस्ट पे चेक कर सकते हो आपकी नर्व्स कौन से कलर की है. अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो आप ज्वेलरी के साथ चेक कर सकते हो. अगर आप प्योर सिल्वर ज्वेलरी पहन रहे हो और आप अच्छे दिखते हो तो यू आर फ्रॉम कूल अंडरटोन. अगर आप गोल्ड पहनते हो और आप अच्छे दिख रहे हो देन यू आर फ्रॉम वार्म अंडरटोन. और अगर दोनों सूट हो रहे हैं तो भाई आप न्यूट्रल हो. सो या, सो दिस इज हाउ यू चेक योर अंडरटोन्स. अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की. तो पॉइंट नंबर 3 बेसिकली ये है कि मार्केट में देर आर टाइप्स ऑफ फाउंडेशन. तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन की. देर आर 4 टाइप्स ऑफ फाउंडेशन. सो मार्केट में देर आर 4 टाइप्स ऑफ फाउंडेशन. 4 टाइप्स ऑफ फाउंडेशन से मेरा मतलब है लिक्विड फाउंडेशन, देन वी हैव क्रीम फाउंडेशन, देन वी हैव स्टिक फाउंडेशन एंड देन वी हैव पाउडर फाउंडेशन. अब इतने टाइप के फाउंडेशन आप बोलोगे क्या लूँ, तो मैं बता रही हूँ आपको क्या लेना चाहिए. सो आपको ऑलरेडी आपकी स्किन टाइप पता चल गई है, आपको आपका स्किन टोन भी पता चल गया है. अब बात करते हैं आपकी स्किन टाइप से, इसको थोड़ा सा रिलेट कर देते हैं.
लिक्विड फाउंडेशन बेसिकली ऑल स्किन टाइप है, वो हर स्किन टाइप पे सुटेबल होते हैं, तो वेरी नाइस, दे आर वेरी गुड. इसलिए प्रोफेशनली लिक्विड फाउंडेशन ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. सो लिक्विड फाउंडेशन इज़ ऑल स्किन टाइप, तो आप अगर कोई भी स्किन टाइप से हो यू कैन यूज़ इट. सो बात करते हैं क्रीम फाउंडेशन की. इफ़ यू आर फ्रॉम ऑयली स्किन, आप पे क्रीम फाउंडेशन बिल्कुल नहीं जाने वाला, आपको बहुत ज़्यादा हैवी लगेगा. सो अवॉइड क्रीम फाउंडेशन. ड्राई स्किन वाले इजीली क्रीम फाउंडेशन के साथ वर्क कर सकते हैं. देर आर क्रीम फाउंडेशन जो ब्रांड टू ब्रांड चेंज होता है, मतलब उनकी जो थिननेस और थिकनेस है वो चेंज होती है. तो अगर वो थिन है, आई डोंट थिंक थिन फाउंडेशन, क्रीमी थिन फाउंडेशन इज क्रीमी, वो रादर लिक्विड हो जाएंगे. सो थिकर जो क्योंकि उनका वर्जन जो है वो थिकर होता है, तो ऑयली स्किन टाइप को वो सूट नहीं करते. इफ़ यूर ड्राई स्किन तो आप क्रीम फाउंडेशन के साथ जा सकते हो, दे वर्क वेरी नाइस विद ड्राई स्किन. थोड़ा सा हाइड्रेशन दे देते हैं आपकी स्किन को, सो इट डजेंट फील, योर फाउंडेशन डजेंट फील केकी और यू नो पैची नहीं दिखता फिर वो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टिक फाउंडेशन. स्टिक फाउंडेशन बेसिकली पहले बहुत ज़्यादा यूज होते थे, अभी दे आर अगेन इन टू फॉर्म. शुगर हैज़ स्टिक फाउंडेशन, देन मेकअप फॉर एवर हैज़ स्टिक फाउंडेशन, एंड देर आर अ लॉट ऑफ ब्रांड हु हैज़ स्टिक फाउंडेशन. अब स्टिक फाउंडेशन का जो कवरेज है वो हाई होता है काफ़ी ज़्यादा, और उसके अलावा ये ऑयली स्किन पे बहुत अच्छा वर्क करता है, कॉम्बिनेशन पे बहुत अच्छा वर्क करता है. इट डजंट वर्क ग्रेट ऑन ड्राई स्किन बिकॉज अगेन इट इज़ थोड़ा सा यू नो थिक और ड्राई फॉर्म में होता है ये, तो ये आपकी स्किन को ड्राई कर सकता है या पैची कर सकता है. तो अगर आप ड्राई स्किन से हैं तो अवॉइड स्टिक फाउंडेशन, गो विथ लिक्विड और क्रीम फाउंडेशन. बात करते हैं पाउडर फाउंडेशन की. पाउडर फाउंडेशन आर जनरली पाउडर कॉम्पैक्ट ऑयल से. अगर आप स्पॉन्ज वेट करके उसको यूज़ करोगे इट विल वर्क एज फाउंडेशन. इफ़ यू यूज इट ड्राई विद अ ड्राई स्पॉन्ज इट विल वर्क लाइक अ पाउडर. सो इट इज़ बेसिकली दैट. अगर पाउडर फाउंडेशन की बात करूँ, प्रोफेशनली इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है पाउडर फाउंडेशन, आप एवरी डे के लिए यूज़ कर सकते हो. अगर आप कॉलेज गोइंग ऑफिस गोइंग हो तो आप यूज़ कर सकते हो. बेसिकली एक शेयर टू मीडियम कवरेज दे सकता है, डिपेंड्स फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड अगेन. इट इज़ बेसिकली यूज टू टच अप और टू फिनिश योर मेकअप ऑयल से. So point number 4 is how to test your foundation. So how to test your foundation is like a very tricky thing because काफ़ी influencer, bloggers, artists सब अलग अलग बातें करते हैं. So I will just tell you a simple trick जैसे आप टेस्ट कर सकते हो. सो सबसे पहले तो अगर आप अपने हैंड्स पे अभी तक चेक करते हो तो आप टोटली रॉन्ग हो, टोटली 100% यू आर रॉन्ग. आपका हैंड और फेस कलर में बहुत डिफरेंस है. तो इफ़ यू चेक ऑन योर हैंड देन यू आर टोटली रॉन्ग. एज यू कैन सी देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर हैंड्स एंड योर फेस, सो इट इज़ टोटली रॉन्ग. आपको चेक करना है ऑन योर जॉ लाइन. आप जॉ लाइन पर चेक करने के बाद भी यू कांट कीप इट एज इट इज़ और चेक करना है कि कैसा है, शेड जा रहा है या नहीं जा रहा है. इट इज़ अगेन रॉन्ग बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो तो आप यू नो ऐसे अप्लाई करके तो नहीं छोड़ने वाले, ऑफकोर्स यू विल ब्लेंड इट आउट. तो अगर आप ऐसे अप्लाई करो और आप वहाँ से चेक कर रहे हो कि ये राइट है या रॉन्ग है, देन यू माइट फील डिफरेंस इन योर शेड. तो आपको एक्चुअली अप्लाई करना है जो आपकी स्किन टोन से 2 या 3 शेड एकदम क्लोज है, आपको उसे जॉ लाइन पर अप्लाई करना है एज यू कैन सी इन द वीडियो. और उसके बाद आपको ब्लेंड करना है. ब्लेंड करने के बाद जो एग्जैक्टली आपकी स्किन पर जाएगा दैट इज़ योर foundation shade. So I hope it is clear now. So point number 5 is to follow the shade names. Agar aap shade names dhyan se padhoge so you will get an idea. Shade name mein already likha hota hai warm beige, cool beige, warm desert beige. So it actually tell you ke ye kaun se skin tone pe ja sakta hai, like light, medium ya darkest skin tone pe. As it says cool, warm, to aapko aapke undertone ko reflection mil jata hai. So aapko shade names follow karne chahiye, but you can't be totally agree kyunki kuch brands aisi hai jo jaise for example MAC, they
राइट एन सी, जिससे लोगों को ऐसा लगता है इट्स नेचुरल कूल टोन, बट इट इज नॉट, वो अपोजिट होता है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि वहाँ पे आप रॉन्ग नहीं हो. रेस्ट इंडियन ब्रांड्स या मोस्ट प्रोबेबली ड्रग स्टोर के साथ यू कैन गो विद द शेड नेम्स, यू कैन फॉलो द शेड नेम्स. पॉइंट नंबर 6 इज लाइटनिंग, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. तो आपको कैसी लाइट में एक्चुअली चेक करना चाहिए. यू कांट यूज योर होम लाइट्स और रिंग लाइट्स, यू हैव टू यूज द नेचुरल लाइट. आपको जो नेचुरल लाइट मिलती है, जो आपको नून टाइम पे मिलती है मोस्ट प्रोबेबली, आप वो टाइम पे अपने फाउंडेशन शेड को टेस्ट कर सकते हो. सो यू विल पिक अप द राइट शेड ऑफकोर्स. सो द लास्ट पॉइंट इज यू कैन मेक योर ओन शेड. नाउ बहुत टाइम ऐसा होता है इफ यू बाय ऑनलाइन यू गेट अ रॉन्ग शेड. सो आप वो शेड को यू नो डू नॉट कीप इट एज इट इज और डू एनीथिंग लाइक दैट. आप अपना एक कस्टमाइज शेड बना सकते हो. इफ यू गेट अ डार्कर शेड, आपने अगर ऑनलाइन परचेस किया है, अगर आपको कोई डार्कर शेड मिल गया, यू कैन मिक्स इट, मिक्स अ लिटिल बिट ऑफ लाइटर फाउंडेशन और उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो. सेम वाइस वर्सा आप एक लाइट फाउंडेशन के साथ भी कर सकते हो. सो डू नॉट वेस्ट द प्रोडक्ट एंड यूज. So I hope कि अभी आपके foundation, you know, how you can choose the right foundation shade वाला जो thing है वो totally solve हो चुका होगा. I hope आप लोगों को ये video अच्छा लगा होगा. अगर video अच्छा लगा है so please do like it. Description box में मैं थोड़े बहुत recommendation डाल दूंगी. So make sure you check it out. लिंक्स दे दूंगी मैं. सो प्लीज डू चेक इट आउट. अफोर्डेबल और बेस्ट क्वालिटी वाले फाउंडेशंस होंगे वो. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ. हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन नेक्स्ट टू इट, सो यू विल बी नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो. एंड या आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.